हैदराबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के किसान नेता ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका आरोप परिजनों ने तत्कालीन इंस्पेक्टर शक्ति सिंह और फूड इंस्पेक्टर पर लगाते हुए प्रशासन का घेराव किया है। जहां बाद में तहरीर दी गई है, वहीं एसपी सिटी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अब किसान नेता की एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें इंस्पेक्टर द्वारा परेशान करने पर किसान नेता द्वारा आत्महत्या की बात कही गई है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं वह ऑडियो जिसमें किसान नेता को प्रताड़ित करने की बात कही जा रही है। पहले आप सुने हैं ऑडियो। चलना अभी फोन कर रहा हूँ, जरा बैठूंगा। कहूँ बेटा, हेलो जी। अरे भाई दीवान जी, भाई मैंने देखा नहीं था आपको। आप वहाँ देख रहे हो, ना हम तो शक्ति सिंह को देख रहे हैं, आपको कहाँ देख रहे हैं। आपको आपको तो जब ही देखेंगे, जब आप हमारे सामने आओ, आप हमारे बड़े भाई हो, इस वजह से हम तुम्हें देख ही ना रहे। वही तो, आप मैं तो भाई साहब लखनऊ हूँ इस समय। अच्छा जी, और आप कहाँ हो? रामपुर। रामपुर में तो नहीं हो ना? रामपुर तो ना है। अच्छा जी, क्यों? रामपुर तो जीप खड़ी है मेरी। अच्छा, ना रामपुर तो 3 दिन से जीप खड़ी है, अभी गाड़ी खड़ी रहेगी लगभग 1 महीने। गुरुद्वारे के पास में लगा समझे कि आप हो गए। हाँ हाँ, वो गुरुद्वारे के पास, क्या वो गुरुद्वारे के पास में जो है वो जीप यहाँ खड़ी है, वो 1 महीने तक सही होगी। वो गाड़ी तो मैं दूसरी चला रहा हूँ अपने नीचे। अल्टो? अल्टो ना, अल्टो तो दरोगा जी की थी, वो तो दे दी। अच्छा हाँ, वो सेंट्रो है, सेंट्रो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही चला रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ दरोगा जी, जी बताओ यार, इनसे क्यों यार, भाई साहब से मनोज जी से ये खा को यार, बेफजूल का। अगर मारे शक्ति सिंह ने कह उदही के दबिश दे के आओ, तो ये कह देते ठीक है, तो जरूरी है क्या घरों में घुसनों और बच्चों को बेफजूल जो है जगाना रात में? ये सही है? आपके बच्चे मेरे बच्चे अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, गलत बात है, सही कह रहे हो। तो इनसे कहो मनोज भाई साहब से। तो आप नहीं कह सकते मैं आपकी बात क्या? मैंने कहा था, मैंने कहा था, तो बोले कि चलो ठीक है वो, मगर गलती से नेटवर्क ना आने पे वो फोन कट गया था। अच्छा चलो, मैं कह दूंगा। कह दिए यार आपके यार बच्चे यार नीटू के हमारे हैं, कोई जरूरी है कि किसी ने गांड के पीछे कोई सीसी कैमरा लगा दिया शक्ति सिंह ने, कब वो वहां तक ये देखेगा कि भाई गए या ना गए नीटू के घर तक? अरे जरूरी है सारा लालपुर चौराहे से या घर के सामने से घूम के चले आओ। अरे सुनो तो मेरी बात है, वो सुनो, आप ये सोच रहे होगी यहाँ की ऊपर दबाव भी थोड़ा कम पड़ रहा है क्या? भैया मेरे पास वीडियो है रात की, मनोज जी घर में कमरे में घुसे हैं यार। वो तो आपकी बात सही है, थोड़ा सा ये है उन्हें भी देखो जवाब देना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, चलो जवाब देना पड़ता है तो जरूरी है घर की बैठक पे भी बैठ के आ सकते हैं, बैठक पे भी खड़े होकर आ सकते हैं, या तुम्हें अपनी भाई भाभी को देख लूँ तो तुम्हें कमरा पहुँचवा दूंगा, तुम आराम से देख लीजिए दोनों मियाँ बीबी मेरी बहू को। मेरी बात सुनो, एक बात तो बताओ, अगर हम आपसे बाहर होते तो क्या हमें दौड़ लगती है घर में से किसी और को ला सकते या नहीं? ये तो बात सही है, ये तो बात सत्य है आपकी, ये बात तो हम आपको मानते हैं अपने जमीन में। ना ना बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़े भाई हो यार, भाई हो हमारे, ऐसा नहीं, हमने परिवार आपको माना है, आपको सुधीर जी को और मनोज को, तीन लोगों को मैंने पूरा परिवार माना है, और भविष्य में किसी भी थाने में चले जाना आप तीनों लोग, मैं आपको परिवार के सिवा और दूसरा नहीं मानूंगा। आज अजय गौतम बड़े भाई मेरे कांच चले गए, और मजूला भी थे तब भी मिलने जाता था, कांच थे तब भी मिलने जाता हूँ, और आज जहाँ भी चले जाएंगे वहाँ मिलने जाऊंगा। नहीं आप मेरी बात सुनो, क्या आप शायद साहब को गलत समझ रहे हो ना, मैं साहब भी गलत नहीं है क्या, मैं थोड़ा सा आपको लग रहा है कि उनको भी प्रेशर पड़ रहा है, मजबूरी है क्या? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश बांध लिया उन्होंने, व्यक्तिगत रंजिश जो है बांध लिया, चलो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है मेरे बड़े भाई पीलीभीत कांड में 40 सिपाही जेल काट रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है क्या, मैं देखो मिलजुल ही काम होता है क्या, मैं और इसमें देखो आ जाओगे तो कुछ समाधान नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं आ नहीं जा मैं तो अपनी अग्रिम जमानत करा लूंगा, क्या हो गया? अग्रिम जमानत करा लूंगा, स्टे ले लूंगा, कोई बड़ी बात हो गई क्या? नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इसमें ज्यादा इशू बना रही कोई बात ही नहीं है। हाँ मैं जमानत करा लूंगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं जो है मैं दोषी नहीं हूँ, बड़े भाई मोनू चौहान दोषी नहीं है, नीतू चौहान दोषी नहीं है, हाँ दोषी होता तो जमानत करा लेता। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान हो तो चिंता मत करो, मैं जो भी है क्या मैं बाहर नहीं है, इनसे मेरे भाई से ये कह दो कि कल को मैं जो है अपनी घरवाली से इनके खिलाफ मानव आयोग में जाऊं,
तो वो सही नहीं है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनके बच्चे मेरे बच्चे अलग अलग नहीं है। अगर जाना है तो कोई बात नहीं, सक्षम अधिकारी अगर आपका कह रहा है तो आप बैठक पे जाके हुड़दंग काट के और जो है वीडियो बना के ले आओ कि साहब गए तो ये बताओ क्या करें, नहीं मिला तो। यार मैं ये भी नहीं कह रहा, मगर जहाँ मेरी माँ सो रही है, मेरी माँ को टेंशन हो चुकी है, मेरी माँ रो रही है मेरे फोन पे, आप ये तो समझो यार, मेरी माँ आपकी माँ अलग अलग है क्या? ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल कहूँगा काम में। बहुत ज्यादा परेशान है माँ, नहीं मतलब भाभी तुम्हारी परेशान नहीं है, माँ ज्यादा परेशान है यार। और मैं अपनी माँ को रोते नहीं देख सकता किसी की। मत प्रोग्राम है और सुनो मेरी बात है, इस समय मैं आपकी बता रहा हूँ ना, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, आगे आ जाओगे पता हो ही जाएगा कुछ ना। वो जो है उनसे बात होगी, डीएम साहब से भी बात हो गई और आपके आईजी साहब से भी बात हो गई, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। आगे जमान में इशू तो शक्ति सिंह जी बनवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे जमान में बिल्कुल इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो मामला सब शांत हो जाएगा। ये भी जो लोग तहरीर दे के गए हैं, ये भी फैसला दे देंगे आने वाले दो चार दिन में। आप मुझे बताओ, इशू ये बनाएंगे ना कि वो ओवरलोड जो चलवा रहे वो बंद जो कर दिए, इनकी दलाली बंद कर दी भाई। जी सुनो क्या नहीं बोलना करते क्या, होटलों से पैसे नहीं आ रहे क्या, फिर चरस गोंडा बिक रहा है, आप बताओ कुछ नहीं क्या बेकार की बात है। आप क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ अपना क्या है, आके समाधान करा लो, निपटा लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे तीनों भाई हो, तीनों भाइयों को मैं मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जैसे मर्जी वैसे करती रही हो, मगर मुझे मेरी गांड में पेट्रोल चढ़ा दो, मैं मना नहीं कर रहा आगे सुनो, मगर मेरी माँ को तीनों जने जाके तुम परेशान न करोगे, कोई अन्य व्यक्ति करे परेशान। क्या कर रहा हूँ, तीन भाई नहीं है चार भाई है। अच्छा चार भाई है। जो ये वाला इंस्पेक्टर साहब बाहर है आपसे ना, इंस्पेक्टर साहब तो बाहर हैं। नहीं है बाहर, ये थोड़ा सोच रहे हो, हकीकत कह रहा हूँ, मेरे सगी मौसेरी बहन के नंद के भाई के आगे तो वो देवर के रिश्तेदार हैं। नहीं वो तो आपने बताया था क्या, मगर उसके बावजूद भी मुझे कहीं प्रताड़ित करवा रहे हैं। ना 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 ऐसा नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखो क्या है भाई सुसाइड नोट रख के जिम में सेल पास की भी गोली खा सकता हूँ मैं अपनी माँ की खातिर, ये ध्यान रखना। सुसाइड नोट वो जो होगा वो शक्ति सिंह के नाम का होगा, मैं बाबा इंसान हूँ। सुनो मेरी बात, एक करोड़ का बीमा है मेरा। सुनो अगर आपने कोई गिला सिखवाया है, मैं अभी साहब से बात करा रहा हूँ ना, भाई साहब से बात करूंगा ही नहीं, भाई साहब मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी के तौर पे मैं जब मर्जी जहाँ घर बैठ के बात कर लूंगा, मेरे बहनोई भी हैं रिश्ते में, आगे समय मैं इनके पैर इनके घर जाके छू लूंगा, थाने में नहीं छू। नहीं सुनो मेरी बात, पैर की तो कोई बात ही नहीं है क्या, रही आपकी गिला सिखवाया तो मैं अभी दूर करा देता हूँ। आप मेरे रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं, बहनोई का रिश्ता मेरी मौसेरी बहन के सामने और इनकी पत्नी के सामने, इनके साडू के सामने, साडू की पत्नी के सामने, सबके सामने रिश्ता चलेगा, ठीक है ना। मेरी बात फिर भी आप क्या है, जो आपके दिमाग में है ये मेरे हिसाब से गलत है कुछ, इसे दूर कर लो क्या है, ऐसा नहीं है बाहर कोई नहीं है क्या है, हम सब एक ही है क्या है, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरी एसपी सिटी साहब से भी अभी लगभग चार घंटे पहले बात हुई है जी, आगे समझ में, उन्होंने कह दिया इतना बड़ा इश्यू नहीं है चौहान, आगे समझ में, मेरे पास वीडियो तूने भेज दी, तू परेशान मत हो, उसके बावजूद भी मेरे घर मेरे बच्चों को जगाया जा रहा है और मेरे ही भाइयों से बच्चों को जगवा रहे हो यार, कम से कम ये तो देखो। तो अब चिंता मत करो, हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, दादा राम राम, राम राम दादा। आपको बता दें कि थाना मुंडा पांडा इलाके के चकलालपुर निवासी ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के आनंद प्रताप द्वारा घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसका आरोप परिजनों ने इंस्पेक्टर शक्ति सिंह पर लगाया था, जिसको लेकर परिजनों ने प्रशासन को घेराव करते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया और कहा कि घटना में जो भी दोषी पाया गया उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। इस दुखद घटना में पूरा परिवार के साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ और प्रशासन में लगातार और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी अध्यक्ष जी सभी से बात हुई है और वार्ता में ये दो तथ्य हैं, जो भी उसके नोट्स हैं उसके बाद बात आगे उसमें चल जाएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में हमने जो तहरीर दी है उसमें एसपी सिटी साहब ने
उसमें मोहर सील लगा के और अपने दस्तखत करे हैं और उसमें बताया है कि जो भी जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन ये है कि जो मामला जो फ्रूट वाला इंस्पेक्टर थी महिला उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी वो उसमें सब नाम है तहरीर में और उसमें इंस्पेक्टर जो हैं अपने उस साथ में उनमें जोड़ा गया है और उस चीज़ को देखा गया है उसमें पढ़ा है और उसमें विचार करा है सबसे वार्ता हुई है इसमें कि जो भी इसमें हो सकता है उसमें कार्रवाई होगी और उसमें आज लिखित में SPCT सामने उसमें मोहर लगा के वो तहरीर पे उस पर बात चल रही है। जिन्होंने सुसाइड किया कौन है वो? ये हमारे नीडू चौहान ब्लॉक अध्यक्ष मोटा पांडे भारतीय किसान यूनियन है और ये एक घटना लंबे समय से चली आ रही थी, इसमें लगातार प्रशासन से बात चल रही थी और केवल उस बात के दौरान ही आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई है और बहुत क्षति हुई है। भारतीय किसानों का एक सिपाही एक संगठन चला गया जो एक अन्नदाता की आवाज़ उठाने वाला और जय जवान जय किसान का हमेशा नारा लगाने वाला, तो इसकी बहुत क्षति है। बस यही बात उन्होंने कही है कि इसमें पीड़ित था ये और इसमें पीड़ित था और पीड़ित का मामला ये है कि इस चीज़ को बहुत लंबे समय से देखा गया और चल रहा था तो कोई ऐसा संज्ञान उसमें आया है, हो सकता है कोई इसमें किसी दबाव में भी उसने कोई इतना बड़ा निर्णय लिया है। क्या उसके पास नोट्स मिलेंगे, क्या उसके मोबाइल में उसकी क्या उसमें वो मिलेगी, अब उसकी जो भी बात है वो सब उसके द्वारा पता चल जाएगा, उसके मोबाइल से पता चलेगा कुछ नोट्स लिख के गया है। ये बताया है कि वो मतलब ज़्यादा किसी दबाव में था और नहीं, दबाव सीधा था, उस पर मुकदमा लग गया था ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुकदमे के दबाव में था, लग गया था, हम लोग भी कई बार मिले उससे। ये थाना मुडा पांडे में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष थे, उन्होंने आज दोपहर में आत्महत्या कर ली और उसी को लेके किसानों में थोड़ा रोष था। पूर्व में उन पर एक मुकदमा भी दर्ज था, इसमें जिस बात के लिए रोष था उनसे उनके लिए तहरीर ले ली गई है, उस पर जांच करी जाएगी और मानवता के आधार पर जितनी भी इस व्यक्ति की परिवार की मदद की जा सकती है प्रशासन द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये थोड़े बीमार भी चल रहे थे और इनका इलाज भी चल रहा था पूर्व में। ये पूर्व में एक मुकदमा लिखा गया था, उसमें तहकीकात की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछताछ की गई होगी और जिस इंस्पेक्टर की बात की जा रही है वो लगभग 20-25 दिन पहले वहाँ से दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। बाकी जितने भी इनके द्वारा आरोप लगाए उनकी जांच करा ली जाएगी, अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आज भी जानकारी ये मिलेगी, आज भी जो पूर्व क्या थाना अध्यक्ष थे मुंडा पांडे के सत्य सिंह उनसे क्या कहते हैं मृतक की बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। अभी ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया, बाकी जांच कराई जा रही है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।